हाय गाइस, माय नेम इज पटेल पिंकी और आप सभी का स्वागत है वीटू टेक नॉलेज में। तो गाइस, आज हम देखने वाले सीएसएस रिलेटिव पोजीशन के बारे में। सीएसएस जो हमारा पोजीशन प्रॉपर्टी चल रही थी उसमें रिलेटिव का क्या यूज है वो आज हम देखने वाले हैं। तो द एलिमेंट इज पोजिशन अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये जो रिलेटिव पोजिशन है, तो वो जो स्टैटिक पोजीशन था, इसके पहले के वीडियो हमने दिया था स्टैटिक पोजीशन, उसके जैसा ही है, नॉर्मल फ्लो में ही आता है। अगर हम इसमें सीएसएस अप्लाई कर रहे हैं तो वो कुछ इफेक्ट दिखाएगा। स्टैटिक में क्या था, हम लोग स्टैटिक पोजीशन रख रहे हैं, उसके बाद अगर हम लेफ्ट ला रहे हैं, टॉप बॉटम राइट वो सब यूज कर रहे हैं, तो वो कोई भी यूज नहीं हो रहा था, वो एक स्टैटिक ही लेके चल रहा था। एक चीज हो गया, उसके बाद उसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था। बट रिलेटिव में क्या है, वो जो हम लेफ्ट रखेंगे, टॉप बॉटम रखना चाहते हैं, वो हम रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें हम वो सारे जो प्रॉपर्टीज थी उनका यूज कर सकते हैं। द टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सीएसएस प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई द ऑफसेट रिलेटिव टू इटसेल्फ। हम अपने आप से कर सकते हैं, इट विल बी एडजस्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन। तो रिलेटिव पोजिशन भी स्टैटिक पोजिशन की तरह ही काम करती है। यह एलिमेंट के नॉर्मल फ्लो को प्रभावित करती है, मतलब नॉर्मल फ्लो के जैसे ये भी होता है। किसी एलिमेंट की पोजीशन रिलेटिव डिफाइन करने पर वह अपनी नॉर्मल पोजीशन से टॉप बॉटम राइट लेफ्ट सरक सकता है, मतलब थोड़ा एडजस्ट हो सकता है, यहाँ से वहाँ हम इसको कर सकते हैं, और इनकी खाली जगह में अन्य एलिमेंट एडजस्ट नहीं होता है, खाली रहती है। रिलेटिव पोजीशन को टॉप बॉटम लेफ्ट राइट वैल्यू देकर डिफाइन किया जा सकता है। तो इसमें डिफाइन वैल्यूज पे कर सकते हैं, और इनका भी सिंटैक्स सेम ही है जैसे स्टैटिक का था। तो पोजीशन है, यहाँ पे हमें रिलेटिव रखा है, तो रिलेटिव का यूज करेंगे, उसके बाद लेफ्ट जितना रखना है वो, टॉप बॉटम राइट, वो आप चारों प्रॉपर्टीज इसमें यूज कर सकते हो। चलिए आप अपना एग्जाम्पल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से समझते हैं। तो चलिए हम आगे अपने टेक्स्ट एडिटर पे, और मैंने यहाँ पे कोड लिख के रखा है, वही जो हमने स्टैटिक में लिखा था वही का वही यहाँ पे कोड है, जो सीएसएस है वही चेंज कर रहा है। ठीक है, तो हम इसमें से पहले सीएसएस रिमूव करेंगे, वन बाय वन हम सीएसएस देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने कैच वन टैग लिया है, उसके बाद इमेज टैग लिया है, जिसे मैंने हाइट एंड विड्थ दे दिया है 200 पिक्सल का, देन एस टू यूज किया है, ठीक है, देन पी टैग यूज किया, और पी टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे एंड हो रहा है, तो थोड़ा सा बड़ा मैंने लिया है ताकि हमें काम आए आगे। ठीक है, तो सिंपल सा हम इसे सेव करेंगे और इसे अभी खाली HTML के रूप में देखेंगे, रन करके कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये H1 टैग है, ये इमेज टैग आ गया जिसे हमने 200 पिक्सल ली है, ये S2 टैग है और ये P टैग है। तो जो भी हम इफेक्ट देंगे वो H2 टैग पे देंगे। तो सिंपल सा हम CSS अप्लाई करेंगे, यहाँ से ये लेफ्ट और टॉप को रिमूव करेंगे। ये देखिए रिलेटिव रखा है हमने अभी, तो रिलेटिव में क्या इफेक्ट आ रहा है वो हम देखते हैं, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ये नॉर्मल फ्लो के जैसे ही है, जैसे स्टैटिक था वैसे ये भी है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे अभी लेफ्ट रखा है, पहले हम लेफ्ट देखते हैं उसके बाद टॉप देखेंगे, यहाँ पे मैंने लेफ्ट रखा है, तो ये लेफ्ट से 100 पिक्सल ये हटके आएगा थोड़ा, ठीक है, तो इसने मार्जिन छोड़ दिया। अब इसमें टॉप देंगे तो टॉप से 30 आएगा, तो ये टॉप किसका लेता है वो हम देखते हैं। तो इसने टॉप अभी ये इमेज के बाद 30 पिक्सल लिया है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हम 50 करते हैं, तो ये इमेज से ये टॉप ले रहा है, ठीक है, ना कि ये पूरे वेब पेज से, ये इमेज से ले रहा है। तो अब मान लीजिए हमें यहाँ पे बॉटम करना है, तो बॉटम भी कर सकते हैं, बॉटम लिया हमने, ध्यान रखिएगा टॉप और बॉटम एक साथ नहीं होता, मैं या फिर बॉटम या फिर टॉप। तो ये जो बॉटम लिया 50 पिक्सल ये पैराग्राफ से ले रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है, तो ये इमेज के ऊपर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हमने भी लेफ्ट में 100 पिक्सल दिया है, अगर हम यहाँ पे राइट में देते हैं तो कोई इशू नहीं है, वो ले लेगा 100 पिक्सल,
यहाँ से इसने ले लिया और इससे जो पैराग्राफ चला था उसको नीचे ला दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करके अपने वेब पेज में इनका पोजीशन सेट कर सकते हैं। पेन रखती हूँ अभी के लिए, बहुत परफेक्ट दिख रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको रिलेटिव का यूज करना है और कैसे नहीं, इसमें कौन कौन सी पोजीशन सेट करनी है और कैसे लेफ्ट राइट कॉम इसमें अपने मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं, जैसा लेआउट डिजाइन करना है वो हम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।